कबा हो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं जानकारी कि आप कैसे घर में DIY नीम सोप बना सकते हैं फ्रेंड्स, और अपने चेहरे को बेदाग बना सकते हैं, चमकती हुई स्किन हो सकती है आपकी। और फ्रेंड्स, जो सोप हम बाजार से लेकर आते हैं उसमें ना जाने कितने तरह के केमिकल मिले हुए होते हैं फ्रेंड्स, हमें कोई आइडिया नहीं होता। होममेड जो नीम सोप होता है वो उसे बनाना भी बहुत आसान होता है। और फ्रेंड्स, घर में बहुत ही कम सामान से आप इसको तैयार कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक सोप को बना करके आप इसको तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। और नीम सोप के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं फ्रेंड्स, जो ये बॉडी को पॉलिश करने का काम करता है, और बॉडी एक्ने पिंपल के दागों को भी क्लीन करने का काम करता है। और फ्रेंड्स, स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है, सफल हो जाती है, और नीम में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब आप अपने हाथों से बना हुआ साबुन यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स आपको भी जितनी खुशी होगी फ्रेंड्स, अब मैं बता नहीं सकती हूँ फ्रेंड्स, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स, ये जो साबुन है उसका रिज़ल्ट बाज़ार के साबुन से कई गुना अच्छा होता है फ्रेंड्स। उसमें पता नहीं आपको, आप तो लेके आते हो कि ये नीम सोप है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होते हैं। जब आप घर में अपना खुद का सोप बनाओगे तब आपको पता पड़ेगा कि कितना अच्छा हमने इसमें हर्बल सारी चीज़ें डाली हुई हैं, और ये हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है। हाँ, तो फ्रेंड्स, इसके लिए जान लेते हैं अपने हर्बल नीम सोप को बनाने के लिए हमें किस किस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें चाहिए फ्रेंड्स। सबसे पहले तो चाहिए फ्रेंड्स हमें ग्लिसरीन सोप। हम यहाँ पर पेयर्स के ग्लिसरीन सोप ले रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल का कंटेंट होता है, और फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। और जो दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स इसके साथ है ग्लिसरीन, और उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे ऑलिव ऑयल। और फ्रेंड्स इसके साथ ही हम एसेंशियल ऑयल में स्वीट लेमन का यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ ही हमें चाहिए ये विटामिन ई के कैप्सूल। और हाँ, तो फ्रेंड्स इसके साथ ही इस तरह के हमें मोल्ड, जो भी आपके घर में कटोरी वगैरह हो वो आप यूज़ कर सकते हो, आपको कुछ भी बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के जिसमें आइसक्रीम वगैरह आती है तो आप इस तरह के भी कंटेनर यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। और हमें ग्रीस करने के लिए चाहिए ये पेट्रोलियम जेली, और उसके साथ ही फ्रेंड्स हमें चाहिए नीम का ये पेस्ट। तो नीम के पत्तों को आप साफ पानी से धोकर फ्रेंड्स मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, इसका एक बारीक पेस्ट बना लीजिए फ्रेंड्स। तो ये हमें चाहिए। और फ्रेंड्स, नीम के पत्तों की हम बात कर लेते हैं। नीम के पत्तों में विटामिन ई और फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, त्वचा की में जो नमी होती है उसको ये बनाए रखता है। और नीम के पत्तों में फ्रेंड्स एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो धूल मिट्टी पॉल्यूशन को रिवर्स कर देते हैं, और हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड सफल बनाते हैं। और नीम के पत्तों में ऐसे तत्व भी होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे फंगस को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं फ्रेंड्स, उनसे भी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रेंड्स नीम। इसके फ़ायदे की मैं आपसे और ज़्यादा क्या कहूँ फ्रेंड्स। नीम में विटामिन कैरेटिन होने के कारण सूरज की अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है, और एजिंग का प्रोसेस होता है फ्रेंड्स उससे भी स्लो कर देता है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। हाँ, तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें ले लेना है इस तरह से पेयर सोप, और उसको इस तरह से ग्रेटर लेते हुए हमें ग्रेट कर लेना है, और एक डबल बॉयलर की मदद से हम इसको मेल्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम इसको यदि ग्रेट करेंगे तो फ्रेंड्स इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। इसको डायरेक्ट हीट पे हमें नहीं रखना है, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं ग्रेट, जिससे ये इवनली मेल्ट हो। और फ्रेंड्स, ये साबुन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, माइल्ड है हमारी स्किन पर, तो हम इसका यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, बाज़ार में जो भी साबुन आते हैं आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं हमारी स्किन पर, और हमारा जो स्किन का ऑयल होता है, नमी होती है, वो सब इनको यूज़ करने के बाद चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे साबुन यूज़ ना कीजिए, घर में खुद के ओन सोप बनाइए और ट्राई कीजिए। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं हमारा जो सोप है उसको हमने कर लिया है ग्रेट। देख पा रहे हो आप कितना अच्छा ग्रेट हुआ है फ्रेंड्स। इसके साथ ही हमें करना क्या होगा,
इस तरह से फ्रेंड्स आप गैस पर एक बाउल में पानी गर्म कर लीजिए, उसके साथ ही फ्रेंड्स एक और उसके ऊपर बाउल रख लीजिए और उसमें फ्रेंड्स इस सारे सूप को हमें मेल्ट करना है। तो हम डाल लेते हैं इसको धीरे धीरे से इसमें। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो हमारा जो सूप है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। तो तब तक हमें कर लेनी है इधर प्रिपरेशन। तो आप देख पा रहे हो हमारा जो नीम का पेस्ट है वो इस तरह से है। तो हमें ले लेना है ऑलिव ऑयल, तो एक चम्मच के करीब हम डालेंगे इसमें ऑलिव ऑयल। और फ्रेंड्स इसके साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें एक चम्मच के करीब ग्लिसरीन। फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सफल बने हमारी सोप को यूज़ करते हुए, तो हम इसमें मॉइस्चराइज़र का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हाँ तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हम स्वीट लेवेंडर स्वीट लेमन जो है एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा जो सोप है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आए। तो ये हम डाल लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स इसके साथ ही आपको डाल लेना है ये विटामिन ई का कैप्सूल। फ्रेंड्स हमने एक विटामिन ई का कैप्सूल डाला है। तो फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों को हम इसमें अच्छे से कर लेते हैं मिक्स इस तरह से। फ्रेंड्स आप देख पा रहे आप महसूस कर पाओगे फ्रेंड्स जब भी आप ये सोप बनाओगे बहुत ही जब आप इसको मिक्स करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी फ्रेग्रेंस आएगी। फ्रेंड्स मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना ज़्यादा स्मेल बहुत ज़्यादा इसकी एरोमा जैसी स्मेल आ रही है। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा औसम साबुन बनके तैयार होने वाला है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें ले लेनी है वाइट पेट्रोलियम जेली। तो इस तरह से हमने जो ये छोटे छोटे कटोरियाँ ली हैं इनको हम कर लेते हैं इस तरह से ग्रीस। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो हमारा जो सोप है वो भी मेल्ट हो चुका है और इसके साथ हमारे पास जो ये नीम का पेस्ट है वो भी तैयार है। तो फ्रेंड्स हम डाल लेते हैं इसको इसमें अच्छे से इस तरह से पोर कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक स्मेल फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकती। आप जब भी इसको बनाओगे तब आप खुद महसूस कर पाओगे। इस तरह से हम इसको करते हैं मिक्स अच्छे से। तो इसमें एक आ जाएगा अच्छा सा ग्रीन कलर। इस तरह से हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे एक से दो मिनट के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो हमारा जो सोपी लिक्विड बेस है वो बनके तैयार हो गया है। तो हम इसको निकाल लेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके साथ ही हमें इसको जल्दी जल्दी से अपने इन मोल्ड में डालना होगा क्योंकि ये दोबारा से अपनी शेप लेने लगता है। तो जल्दी से हमें सोप को करना होगा। तो कर लेते हैं हम इनको पोर। हाँ तो फ्रेंड्स हमने अपने सोप को कर लिया है इन घर के बने हुए मोल्ड में। तो आपको बाज़ार से मोल्ड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इनको इस तरह से एक प्लेट में रख लीजिए। आप इनको काउंटर प्लेस पर भी इस तरह से रख सकते हैं, ये थोड़ी देर में अपने आप जम जाएगा। यदि आपको जल्दी इसको जमाना है तो आप इसको फ्रीज़र में रखिए। तो हम कर देते हैं इनको डीप फ्रीज आधे घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से इनको रख दीजिए आधे घंटे के लिए डीप फ्रीज होने के लिए। देख रहे हो हमारे जो सोप हैं वो जम चुके होंगे फ्रीज़र में। तो हम उन्हें देख लेते हैं कि क्या हुआ। खोलते हैं अपना फ्रीज़र, इन्हें निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जम के तैयार हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स सारे सोप बहुत अच्छे से जम गए हैं। तो अब हम इनको कर लेंगे डीमोल्ड। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इनको करेंगे डीमोल्ड।
हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और फ्रेंड्स ऑर्गेनिक जो साबुन है वो बनके तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 100% नीम सोप हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये आपकी स्किन को सूदिंग करेंगे, सपल बनाएंगे और फ्रेंड्स एक्ने और पिंपल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको करेंगे दूर। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को करते रहिए लाइक। इसी तरह से कमेंट करिए फ्रेंड्स मेरे वीडियो पर। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।